अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स इट्स ए बी जे विद यू वंस अगेन इट्स थर्ड वीडियो थर्ड पार्ट ऑफ मिडिल स्कूल इंग्लिश ग्रामर बुक एक्सरसाइजेज़ विच रिटन बाय एंड मार्टिन तो आज हम नाउन केस की एक्सरसाइजेज को करेंगे uh, हल करेंगे यहाँ पर जो कि हमारा यूनिट जो है वो टू है मिडिल स्कूल इंग्लिश ग्रामर का तो uh, आइए इसको हम शुरू करते हैं इट्स यूनिट टू नाउन केस ये यूनिट टू है नाउन केस है हमारे पास ठीक है और चैप्टर थ्री नॉमिनेटिव एंड ऑब्जेक्टिव केसेस दैट मींस नाउन आर आल्सो इन सम केसेस वेदर दे आर सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव आर यू मे इवन से नॉमिनेटिव आर अक्यूजिव कैसे ओकेस्ट एक्सरसाइज विच इज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज पिक आउट द नाउंस आर फॉर इन दामिनेटिव केस ओके हमने सिर्फ इसमें इतना करना है कि हमने देखना है कि जो नॉमिनेटिव कैस है विच इज ऑल्सो कॉल्ड सब्जेटिव केस इसमें देखने सेंटेंस से से में जो सब्जेटिव केस में जो नाउन है वो कौन से हैं या प्र नाउन है वो कौन से हैं लाइक लेला इज इन सब्जेटिव कैस जमाल वॉन्स टू गो हम जमाल इज इन सब्जेटिव नॉमिनेटिव केस मास्केटो खास इज मलेरिया मास्केटो क्या है uh, अपना नॉमिनेटिव कैस में है सब्जिटिव कैस में है मलेरिया खिल्स पीपल मलेरिया नॉमिनेटिव कैस में है मिल्क इज द बेस्ट फूड मिल्क किस में है नॉमिनेटिव कैस में है लाहौर स्टेंस ऑन देंक ऑफ रावी लाहौर हमारा नॉमिनेटिव कैस में है द लेजी बॉय बॉय इज अ मेन पार्ट ऑफ दैट नॉन फ्रेज द लेजी बॉय इज्जेटिव केस हेयर दलैक्टर कलेक्टर अगेन इज इन नॉमिनेटिव और सब्जेटिव केस द फूल ओल्ड क्रो क्रो इज क्रो इज अ मैन पार्ट ऑफ दिस नॉन फ्रेज विच इज द फूलिश ओल्ड क्रो ये हमारा नॉमिनेटिव केस में है देन आई हैव रीड अबाउट नूर जहां आई प्रोनाउन है विच इज़ इन अगेन नॉमिनेटिव केस फ्यू केट्स लाइक कोल्ड वाटर केट्स अगेन केस में है फ्यू केट्स ये बन जाएगा आपका नॉन फ्रेस यू वर्क हार यू प्रोनान है विच इज इन नॉमिनेटिव केस ऑवर हेयर आई एट समी आई इज अ प्रोनाउन विच इज इन नॉमिनेटिव केस ऑवर हेयर दोंगा फेल इन टू द डिच दोंगा इज इन नॉमिनेटिव केस और इज इन सब्जेटिव केस ही डाइड ग्लोरियस डेथ ही इज इन नॉमिनेटिव केस Okay, this was how we did uh, nominative or uh, subjective case of noun. It's also for pronoun as well. So, here we will find in exercise number two that uh, we have to pick out the nouns or pronouns in the objective case the following, or you may even say accusative case of the noun. Here we have. Like he sells vases. vessels is a noun which comes after verb or it receives an action. So all the nouns which receive action, they are called objects of the sentence, and they are in objective case or accusative case. So vases over here is a, is in a objective case. Please. दी मोंगूस इट स्नै मंगूव जिसको हम ने वाला कहते हैं ये सामप खाता है तो सांप जो है यहाँ पर खाया जाता है तो जो खाया जाता है वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा तो जो ऑब्जेक्ट हो जाएगा वो ऑब्जेटिव कैस में चला जाएगा ठीक है द स्नैक्स फीयर द मोंगूज अच्छा सांपों को डर लगता है मोंगूज से तो हेर मंगूज जो है वो क्या है ऑब्जेटिव कैस में है मॉस्कटोज कॉज मलेरिया मलेरिया ऑब्जेटिव कैस में है शी वज़ प्लेइंग विद द चिल्ड्रेन चिल्ड्रेन जो हमारे पास है ये क्या है केस में है। They are very proud of her. ये नाउन प्रोनाउन जो, जो है ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस में है अच्छा उसके बाद हमारे पास यहाँ पर है थर्ड केस जो है हमारे पास पॉजिटिव और जेनेटिव केस है विच इज विच शो सम

ही हेयर्स द लेम्स इनोसेंट कॉल तो यहाँ पर लेम्स इनोसेंट कॉल जो है ये पॉजिटिव नाउन है हमारे पास राशिद राशि राशि ये हमारे पास पॉजिटिव नाउन सेकेंड सेंटेंस में फिल्ड शीरस हर्ट तो शीरस हर्ट भी जो है वो एक पॉजिटिव नाउन है वो चीज़ जिसे हम कहें लेम्स इनोसेंट कॉल दैट मीन्स के एक भेड़ छोटी सी भेड़ की मेमने की मासूमाना आवाज ठीक है उसके बाद हमारे पास वर्ड्स मतलब राशिद की बातें शीर हाथ मीन्स शीरिंग का दिल ठीक है उसके बाद है द चिल्ड्रेन फाउंड अ बर्ड्स नेस्ट अ बर्ड्स नेस्ट इज इन पॉजिटिव फॉर्म पॉजिटिव केस मीन्स के परिंदे का घोंसला, देन टॉम अटेंड्स अ बॉयज स्कूल लड़कों के स्कूल जाता है ठीक है लड़के का स्कूल बॉयज स्कूल लड़के का स्कूल ठीक है

देन यू वैल यू मेक इट्स पॉजिटिव नाउन आपने क्या करना है उसको पिल्ल बनाना है लेटर एस के साथ फिर आपने अपोसफी देने के बाद उसको जो है ना वो दूसरा एस लेटर नहीं ऐड करना जैसे अगर बॉय का हमने लिखा बॉयज स्कूल तो हमने बॉय लिखा बी ओ वाई एपोसफी एस लगा दिया लेकिन अगर मैं लड़कों का स्कूल तो मैं लिखूंगा बॉयज स्कूल क्या लिखूंगा बॉयज स्कूल बॉयज स्कूल हो जाएगा लेकिन उसमें आप कैसे लिखेंगे बी ओ वाई एस पिलर बनाएंगे फिर ए एपसावी देकर उसके बाद ए एपास के बाद कुछ नहीं लिखेंगे जैसे कि आपने यहाँ पे देखा हो लेडीज सारीज वर्ड ब्यूटिफुल देन है द गर्ल्स वॉइस लड़की की आवाज बहुत प्यारी है वो तो हमेशा होती है उसके बाद हमारे पास है हमारी आवाज ही बुरी होती है वो तो हमेशा होती है मेन्स हाउस इज इज कैसल मैंस हाउस And then the Reaper's work. Reapers Jo hain, is done. Sindhimi, Jugula Barukandan Baba. Lunanavara. That is my uncle's car. Modi chati ji gaddiyosa. Oh. So this is how we this is how we made uh, you know a positive. We how we picked out some positive nouns, positive cases of noun over here. And then here we have exercise number two. Uh, here we will write some uh,

ठीक है तो ऐसे हो जाएगा ज़्यादा होगा तो ऐसे हो जाएगा चाइल्ड ठीक है चाइल्ड हमारे पास सिंगुलर है यहाँ पर तो कैसे लिखेंगे हम चाइल्ड्स चाइल्ड्स स्कूल कर देते हैं हम ठीक है आपके साथ ठीक है लेकिन अच्छा इसमें हमने क्या करना इसमें भी हमने जब चिल्ड्रन लिखना है तो ऐसे हो जाएगा चिल्ड्रन्स स्कूल चिल्ड्रंस स्कूल इसको हमने जब जो रूल बताया था ना आपको पिल्लुल बनाने वाला वो तब होगा जब पिल्लुल जो है वो लेटर एस से बन रहा होगा यहाँ पे पिल्लुल लेटर एस से नहीं बन रहा यहाँ बन रहा है एक इरेगुलर नाउन है ठीक है बॉयज बॉयज क्लास लड़के की क्लास लेकिन अगर क्लासेस लड़कों की होगी तो हम लिखेंगे बॉयज को पहले बनाएंगे पिल्ल देखेंगे बॉयज क्लास हेयर इट मीनस के लड़कों की क्लास लेडी लेडीज पर्स लेडी स्माइल लड़की की या औरत की मुस्कुराहट

लेकिन अगर ज्यादा हों तो क्या हो जाएगा ज्यादा होंगे एक टॉयलेट में तो नहीं होंगे ना मेरे भाई हो जाएगा टॉयलेट तो इसका भी बनता है चेंज लाइक रेगुलर है तो नहीं। नहीं। ना टू एनी, एनी यहाँ पर ये शीप पिल्ल भी सिंगुलर भी इसको हम ऐसे लिखेंगे शीप्स दोनों को सेम कर देंगे यहाँ बार्न बार्न Uh, sheep's herd. Okay. River. same thing is come. I will see whether it is. I will correct it if, if there is a mistake here for you. Sheep's herd. Okay. Monkey. Monkeys. 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 मंखीज ट्री मंकी का दरख्त ठीक है मंखीज ट्री ओके मंकीज पिल्ल बनाएंगे पहले उसको हम पहले हो जाएगा पिल्ल हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा मंकीज थ्रीज ठीक है उसके बाद ऑक्स क्या हो जाएगा ऑक्स ऑक्स काट और समथिंग एल्स तो वह यहाँ हो जाएगा ऑक्सिंस Caught, okay. Oxins. So this is how we made uh, possessive nouns for all these words with the singular and then plural. Okay. So then here we have another exercise. Uh, exercise number three, uh, which is read the following sentences carefully and say whether the words in italics are in nominative case, accusative case, or positive case. Okay. The horse kicked the boy, so boy is in uh, what should I say? It is in accusative case. I will tell you uh, when I, I'm not going to write uh, about them. So the boy is in accusative case, the so, boy might pass accusative case. Okay. And then here we have uncle some positive case, players, aapka nominative case, kite, accusative case. एंड द स्टूडेंट्स ये हमारे पास कौन सा है ये हमारे पास नोम कैस है नेचर्स लॉज ये हमारे पास पॉजिटिव कैस हैर्ल्स स्कूल ये पॉजिटिव कैस है हमारे पास अ गिफ्ट विच इज एजिटिव केस द लेग्स ऑफ दिस इज अनादर वे टू राइट पॉजिटिव केस विच मीन टेबल्स लेग्स सो हेयर इन दिस वे वी हैव डन नेक्स पॉजिटिव केस एक्सरसाइज एज वेल So we'll be uh, back with the, another video. Till then, Allah is.